बाप रे, इतना बड़ा मछली है रे। वो देखिए दोस्तों, पूरा बुनसी यहाँ पे लग गया ना हुक। मंजिता से भी लंबा है, बाप रे। बड़ा अभी मेन कोर्स बड़ा वाला ना, बढ़िया। ये पूरा ये भी 2 किलो जैसा होगा ना, पूरा भारी है। देखिए दोस्तों, कसाई बन गया, कसाई कसाई मिस्टर कसाई हो चुका है तैयार। ये देखिए निकल रही है मम्मी। वाह भाई, टेस्टी टेस्टी। वाओ, इसका जूस देखिए सूप, क्या मजा जूस। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का वीडियो होगा भाई बहुत ही मजेदार, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कुछ दिन पहले मेरे लिए एक तो भैया जो है लेके आए थे बड़ा सा मछली, तो वो फिर से आज लेके आ रहे हैं मेरे लिए ईल मछली, जो कि आप लोग टाइटल और सॉरी थंबनेल में देख लिया होगा, बहुत ही बड़ी मछली है यार। तो उन्होंने जो है सुबह सुबह कॉल किया मुझे और उन्होंने जो है हुक से पकड़ाया बंसी से, तो उन्होंने फंसाया भाई 3 किलो से भी ज्यादा, बहुत बड़ी मछली है ईल फिश। और यहाँ पे मम्मी को देखो, ड्राई फिश खरीद के लाई थी तो उनकी साफ सफाई कर रही है। देखो बुज्जे, हाँ बुज्जे बुज्जे, आज मछली के साथ खाओगे खाना? हाँ बुज्जे, हाँ मंजिता खाओगे मछली? हाँ मछली खाएंगे आज, बिल्कुल बड़ी वाली होगी ईल मछली, बहुत आसानी से मिलता नहीं है। बुज्जे इधर देखो कैमरा में, जो मछली है उसे हम 2 तरीकों से पकाएंगे। एक होगा जंगली पत्ते से हम केवल बॉयल करेंगे, और दूसरा होगा बम्बू में पकाएंगे। और जो भैया है वो मेरे लिए काफ़ी सामान वगैरह लाते रहते हैं, तो इस बार मैं फ्री में बिल्कुल नहीं लेने वाला हूँ। लाख वो बोले लेकिन मैं लेने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये वाला जो मछली होता है बहुत महंगा भी होता है। 500 रुपये ऐसा कुछ किलो, 500 तो नहीं है शायद, कुछ 300-400 ऐसा है, लेकिन मैं 500 रुपया किलो दूंगा। अगर 3 किलो होता है तो मैं 1500 रुपया दूंगा भैया को, नहीं लेने से भी दूंगा उसे क्योंकि बहुत मेहनती है भैया भी मेरे लिए। क्या क्या लेके आए ना, कितना बार लेके आए, मैं उससे मना करता हूँ फिर भी ला देता है वो। अभी जो है भैया पहुँच गए हैं, कब से वेट कर रहा था भैया का, पूरा साइकिल लेके आ गया। देखो भैया और हैंडसम लग रहा है, पहुंच गया ना भैया। मछली यहाँ पे है, बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा है। आप देख सकते हैं, हम देखेंगे वीडियो पर। अभी मैं निकाल देता हूँ। मंजिता आओ देखो, बहुत दिन का बाद इतना बड़ा मछली। ईल, ईल बोलता है इंग्लिश में, बोलता है ईल। बहुत बड़ा था, मैंने वीडियो में देखा, अभी देखूंगा अपने हाथों से छू के। वाह पूरा भारी है ना, 3 किलो से ज्यादा है क्या? 3 किलो से कुछ कम है, कम है माने 300 ग्राम कम है। ओ अच्छा अच्छा, वाह चलो देखते हैं अभी। वाह इतना लंबा है, पूरा सांप का जैसा है। ओ बाप रे, बंसी को भी साथ में लेके आ गया। ओ बाबा इतना बड़ा मछली, देखिए दोस्तों इतना लंबा, बाप रे इतना बड़ा मछली है रे। वो देखिए दोस्तों, पूरा बुनसी यहाँ पे लग गया ना हुक। वो लंबाई देखो इसकी कितनी है, सांप का जैसा है, पूरा सांप का जैसा है। देखिए मंजिता से भी लंबा, मंजिता मंजिता वहाँ पे जाओ तो, मंजिता से भी लंबा है, बाप रे बराबर है मंजिता का साइज का। इतना बड़ा मछली को, मजा आ गया देख के। पकड़ी आप? हम सकेगा ही नहीं, बहुत भारी है। ठीक है ठीक है भैया, बाप रे। इधर से आइए, उधर में चलते हैं किचन में। वाह इतना बड़ा मछली देखा दोस्तों, ईल मछली। मैंने भी पहले एक पकड़ा था, इतना ही बड़ा था मेरा भी, मेरा भी ऐसे ही बंसी में पकड़ा था। इतना बड़ा मछली देखो मम्मी, बहुत बड़ा मछली, बहुत बड़ा है। ओह मजा आ गया देख के। लीजिए कुछ और, गमला गमला, बहुत लंबा है ना। हाँ पूरा लंबा है, देखिए मंजिता का साइज का है पूरा। मजा आ गया देखिए दोस्तों, पूरा सांप का जैसा, पूरा सांप का जैसा है ये मछली, बहुत टेस्टी होता है। तो अभी भैया बैठ गया है, वो पानी वानी पी रहा है, और मैंने बितुल भैया को भी कॉल करके बुलाया, वो बम्बू लेके आ रहा है, बम्बू में पकाएंगे, और जो बॉयल करेंगे हम लोग उसमें जंगली पत्ता डालेंगे बोला था ना, तो वही लेने जा रहे हैं अभी। ये देखिए मम्मी अभी यहाँ से निकालेगी, यहाँ पे हर जगह में है एक्चुअली, ये वाले पट्टे खट्टे होते हैं, ये देखिए ये वाले खट्टे वाले पट्टे, तो बॉयल करके खाने में ये वाला देने से बहुत ही टेस्टी होती है। तो मम्मी यहाँ से कैसे निकालेगी, देखो ऐसे घास फूस जारी बूटी, जंगली जारी बूटी।
यहाँ पे देखिए दोस्तों जो पट्टे हैं वो भी ला दिया, अभी मम्मी इसकी सफाई करेगी। और यहाँ पे आग जला के रख दिया है, इसमें जो है बम्बू में पकाएंगे हम लोग। और यहाँ पे गर्म पानी रेडी है मछली को सफाई करने के लिए। पहुँच गया हम लोग का हीरो बम्बू लेके, तीन तू आयो आओ देखो इतना बड़ा मछली है, चलो भूख लग रहा है जल्दी पका के खाएंगे। तीन तू बम्बू लेके आ गया, थैंक यू यार, फ्यूचर के लिए। पूरा काट कूद के ला दिया, थैंक यू यार। देखो दोस्तों बम्बू ट्रेडिशनल कुकिंग स्टाइल। यहाँ पे देखिए दोस्तों जो पट्टे हैं उसे मम्मी ने सफाई कर दिया है। और मछली देख लिया ना, हाँ, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा मछली है। ये देखिए दोस्तों इतना बड़ा मछली, भाई साहब देखिए डेंजर वाला, बिल्कुल सांप की तरह है ये, इतना लंबा, बाप रे। मम्मी अभी यहाँ पे गर्म पानी डाल दिया है दोस्तों इस पे, क्योंकि इसके ऊपर में ये म्यूकस वगैरह क्या क्या होते हैं ना, ये व्हाइट व्हाइट वाला, उसे गिराना पड़ेगा। चमड़ा भी नहीं फेंकना है दोस्तों, इसका चमड़ी बहुत ही टेस्टी होती है, पूरा तेल तेल, बिल्कुल पोर्क की तरह होती है। अभी मछली की सफाई चल रही है दोस्तों, देखिए अच्छे से सफाई करेंगे, उसका पका के खाएंगे। इतना बड़ा ईल मछली देखिए, किसी किसी ने तो जीवन में नहीं देखा होगा ऐसा मछली। हाँ, ये बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही कम मिलता है ऐसा वाला मछली। और इसका चमड़ी भी ज़्यादा टेस्टी होती है, इससे चमड़ी नहीं फेंकना है। अभी इसका बाहर में जो भी था स्किन में जो फ्लूइड था उसे फेंक दिया, पूरा पूरी तो फेंक नहीं सका दोस्तों, और भी रह गया। एक्चुअली जो है लोगों का मानना है कि ये वाला जो फ्लूइड है ना व्हाइट वाला, ये ज़्यादा मतलब विटामिन होते हैं, इसमें मिनरल्स क्या क्या होता है, मतलब बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन हम लोग फेंक देते हैं इससे। अभी मैं तो काट नहीं सकता, मेरा ताकत नहीं है, तो हमारा बिल्कुल जमाई भैया बूचर बनेंगे, हार देना। अभी दाव भी रेडी है, अभी यहाँ पे काटना है पूरा गोल गोल। इसका हुक देखिए दोस्तों ऐसा जगह में फंसा है कि निकलना मुश्किल हो गया, इसलिए ये बच नहीं पाया पूरा। बहुत खराब था। फाइनली एक्सपर्ट भैया आके निकाल दिया है, ये देखिए इस हुक में फंसा था, इतनी छोटी वाली हुक में इतना बड़ा वाला मछली फंसा है, बहुत बढ़िया से। फिशिंग भी मेरा बहुत खतरा है ना, एक बार लगाएगा तो बस लगने का बात तो लगना ही है, भागेगा नहीं, मिलेगा ही नहीं। चलो अभी इसका बुचरिंग करते हैं, उसका फटाफट से खाना खाते है, भूख लग रहा है। पूरा स्लिपरी है ना, अभी ऐसे काटना है देखो। ये देखिए दोस्तों पूरा, अभी ढाई करके लगाओ। देखिए दोस्तों इसका मीट देखो, पूरा तेली तेल, बिल्कुल पोर्क की तरह है। और थोड़ा सा छोटा करो। ये देखिए इतना बड़ा बड़ा पीस खाएंगे, एकदम बढ़िया। देखिए दोस्तों वाह मजा आ जाएगा आज तो, पूरा तेल ही तेल, भाई साहब ऐसा मछली रोज खाने को नहीं मिलता है दोस्तों। देखिए साल में एक बार ही मिलता है, पूरा बहुत लकी होना पड़ता है वो भी खाने के लिए ये मछली। सिर्फ नीचे वाला हिस्सा से इतना ज्यादा निकला है मछली, देखिए दोस्तों अभी आगे का मेन वाला हिस्सा तो इतना बचा हुआ है। तो तीन बम्बू लाया था हमारा बितुल जमा भैया, ये देखिए दो बम्बू में तो पूरा फूल हो जाएगा लगता है मुझे, ये देखो बम्बू भी इतना मजा मजा वाला है। अभी मेन कोर्स बड़ा वाला ना, भारी है ये पूरा, ये भी 2 किलो जैसा होगा ना, पूरा भारी है देखिए दोस्तों। कसाई बन गया, कसाई कसाई मिस्टर कसाई बितुल जमाई भैया, पूरा तेली तेल ना, देखिए पूरा फैट। अभी इसका एनाटोमी कर रहे हो, एनाटोमी चल रहा है, पोस्टमार्टम बोल रहे। देखो इसका लंग्स लीवर वगैरह भी इतने बड़े बड़े है ना, ये मछली तेली तेल निकला मछली, ओ अंदर से मछली निकला, ये मछली खाया है। देखो मछली लोग भी मछली खाते हैं, इंसान लोग भी इंसान खाते हैं क्या, इंसान इंसान को मतलब मारता दबाते। यहाँ पे जो है बुचरिंग अभी भी चल रहा है, और यहाँ पे मछली है, और यहाँ पे मम्मी एक जो है बम्बू में देने के लिए तैयार कर रही है। यहाँ पे एकदम सिंपल सा बस नमक हल्दी और थोड़ा सा चिल्ली, देखिए ज्यादा मिर्च भी नहीं देना है, क्योंकि ज्यादा चिल्ली वगैरह खाना ठीक नहीं है। और यहाँ पे बम्बू रेडी है, और इधर पे मेरा वाला बॉयल हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे मैंने दिया अदरक, गोलमरीच एंड ये लौंग जो कहते हैं वो दिया है, और नमक, बस ये देखिए बॉयल कर रहे हैं।
फिनिश कर दिया ना, फिनिश हो गया, फिनिश हो गया, प्रोफेशनल बन गया कसाई। प्रोफेशनल कसाई यहाँ पे बम्बू में एक दे दिया मम्मी, अभी फिर से यहाँ पे जो बचा है उसे फिर से एक दूसरे बम्बू में देंगे, उसको टेस्टी टेस्टी खाएंगे पूरा, मजा आने वाला है आज। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये मैं खाने के लिए इसमें मिर्च बिल्कुल कम डाल के थोड़ा सा डाला है मम्मी ने, और यहाँ पे इस बम्बू पे मेरे लिए बनेगा एक्स्ट्रा से, और यहाँ पे बन रहा है बम्बू से। बम्बू में पकाने से क्या होता है कि आप 2-3 दिन तक रख सकते हो, बिल्कुल फ्रीज में रखता है जैसा। और ये वाला ये अलग ही रेसिपी बनेगा, ये बहुत दिन तक रख सकेगा, इसको अलग रेसिपी, हर चीज़ को अलग अलग रेसिपी बनाएंगे, उसके बाद खाएंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अभी बम्बू में पक रहा है 2 बम्बू में, ये देखिए। अब यहाँ पे मम्मी उसके अंदर के इंटेस्टाइन वगैरह को पका रही है। ये वाला तो पक्के हो गया ना, बम्बू वाला, वो वाला भी हो गया, नहीं हुआ, वो नहीं हुआ है, ये पकाने के बाद फिर से आग में दे देगी मम्मी, देखो। वाह, इंटेस्टाइन वगैरह पूरा टेस्टी टेस्टी लग रहा है, खाने का मन कर रहा है मुझे भी। दोस्तों अभी जो मछली था हम लोग का वो पक्के हो चुका है तैयार, ये देखिए निकल रही है मम्मी। वाह भाई, टेस्टी टेस्टी, वाओ इसका जूस देखिए, सूप, क्या मजा, जूसी है यार। ओ भाई साहब देखिए, वाह पूरा जूस जूस देखिए। अभी हम लोग यहाँ पे लंच करेंगे दोस्तों, यहाँ पे भैया भी करेगा साथ में, पूरा सभी लोग, हाँ सभी मिलके खाएंगे। यहाँ पे है मछली, ये देखो बम्बू में पकाया हुआ मछली दोस्तों, और मम्मी नहीं खाएगी बोल रही है, उसे भूख नहीं लग रहा है, एंड मंजिता भी खाएगी हमारे साथ। और यहाँ पे मेरा बॉयल किया हुआ, ये देखिए पूरा ऑर्गेनिक बॉयल, ये जंगली पत्ते जो तोड़ के लाया था वो भी दिया है, पूरा मस्त एकदम। तो यहाँ पे रहा मेरा थाली दोस्तों, ये देखिए बॉयल किया हुआ मछली, और बम्बू वाला भी ले लिया हूँ, अभी सभी लोग खा रहे हैं। खाइए भैया, हाँ खाओ, फिनिश कर दो, फिनिश करके आ चुका हूँ, फिर भी फिनिश करो, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अरे ऐसा मौका बार बार ऐसा मछली नहीं मिलता है ना, 1000 साल में एक बार मिलता है। वाह बहुत टेस्टी हुआ है दोस्तों, खा रहे हैं, ये देखिए मछली बॉयल वाला क्या ही टेस्टी है। ऐसा नहीं लगता है कि ये मछली है, ऐसा लगता है कि ये मीट खा रहे हैं हम लोग, बहुत ही मजा। मंचिता खाओ मछली के साथ। दोस्तों हम लोग का लंच तो हो चुका है कंप्लीट, एकदम पेट भर के खाया, बहुत मजा आया। आपको कैसा लगा भैया? अरे मस्त लगा यार, मस्त तो, हाँ। बहुत दिन से मैं भी वो मछली खाऊंगा बोला था, बहुत तो भाई को, फिर भाई को मैं ऐसे ला दिया था, थोड़ा 1 किलो का दाम दीजिए बोला था, लेकिन पूरा 1500 रूपए दे दिया। बहुत, अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है तो 1500 कुछ भी नहीं है भाई, भैया में तो होते रहेगा, हाँ भाई भैया में होते रहेगा, कभी आप मदद करेंगे कभी मैं मदद करूंगा, ऐसा एक दूसरे का मदद करते रहना है लाइफ में, आपका भी भगवान का। और ठीक है भैया, और हम लोग का बीजू फेस्टिवल में आपको आना है, ठीक है, पूरा परिवार लेके आना है। यहाँ पे देखो मनोज भी पहुँच गया है, और लकी है भाई तू, पूरा ये फिश के साथ बड़ा मछली के साथ खाने मिल रहे, यू आर वेरी लकी। खाओ खाओ, कैसा लगा, टेस्टी हुआ? पूरा पम 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 हे पम पम पम। तो दोस्तों आज आप लोगों ने देखा इतना बड़ा ईल मछली हम लोगों ने खाया, थैंक्स टू भैया, भैया लेके आए, पहले भी लेके आया था तो मैंने उसको जो है उसका मेहनत का प्राइस दे दिया। वैसे बताना तो नहीं चाहता हूँ, बट काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं कि तूने फ्री में ले लिया, ऐसा ऐसा नहीं है, क्योंकि भैया भी बहुत मेहनत करते हैं, और मेरे लिए एक बार नहीं दो बार नहीं कई बार बहुत सारी चीज़ें लेके आया है, मकई लेके आया, कद्दू लेके आया, बहुत सारी चीज़ें, लेमन, ये सब लेके आया। तो थैंक्स टू भैया, एंड थैंक्स टू ऑल द व्यूअर जो इतना प्यार और सपोर्ट दिखाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ।